हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और MIUI 13 थीम लेकर आ गया हूँ। एक न्यू MIUI 13 थीम है जिसमें MIUI 13 कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन में यहाँ पर 6 डिफरेंट विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट भी देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन में। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है जिसे आप पोको रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो होम स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर देखने को मिलता है। होम स्क्रीन एक मिनिमल लुक के साथ आता है। विजेट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग दोनों क्लॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है इस विजेट में। आइकॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, स्क्वेरिस शेप में आइकॉन्स देखने को मिलते हैं। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हो MIUI 13 कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट है, साथ में यहाँ पर जो टॉगल्स हैं वो स्क्वेरिस शेप में देखने को मिलते हैं, साथ में टॉगल्स में यहाँ पर एक शैडो इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस थीम में। देन बात करें नोटिफिकेशन पैनल की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हैं वो पर्पल कलर में देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और स्टेटस बार की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो नेटवर्क का आइकॉन है और जो बीटी का आइकॉन है ये दोनों यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो कुछ इस टाइप का स्टेटस बार देखने को मिलता है इस थीम में। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो सेटिंग्स का बैकग्राउंड यहाँ पर सिंपल व्हाइट कलर में देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है। बट यहाँ पर जो आइकॉन्स है वो चेंज हुए हैं और ये जो थीम है ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हो डार्क मोड में कुछ इस टाइप का लगता है, सेटिंग्स का बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाता है डार्क मोड में। देन बात करें लॉक स्क्रीन की तो आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप का है। जब भी हम लॉक स्क्रीन पर आते हैं तो कुछ इस टाइप का एक एनिमेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर सेम वॉलपेपर देखने को मिलता है और एक लार्ज क्लॉक विजेट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और ये ग्रेविटी इफेक्ट के साथ आता है, मतलब फोन को मूव करते हैं तो यहाँ पर जो विजेट है वो भी मूव होता है। बस इतना ही नहीं, लॉक स्क्रीन में हम स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर हम क्लॉक विजेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 6 डिफरेंट क्लॉक विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सभी के सभी इस वॉलपेपर के साथ अच्छे लगते हैं और जो मेन क्लॉक विजेट है लार्ज क्लॉक विजेट वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। देन यहाँ पर आप ग्रेविटी इफेक्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, साथ में यहाँ पर नीचे जो दो आइकॉन्स हैं उन्हें भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप का लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है इस थीम में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है, मिनिमल एंड क्लीन लुक के साथ आता है। तो अगर आपको मिनिमल थीम्स पसंद है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो थीम का नाम है एपी वायलेट M14 बाय डिजाइनर रियनिस। आप इसे थीम स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। तो ये था एक MIUI 13 थीम जिसे आप पोको रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।